नमस्ते, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल JSM IIT एंड मेडिकल हब। तो आज हम एक बहुत बढ़िया सी और बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है रीमर टीमन रिएक्शन। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर नीट एग्जाम, उसके बाद JEE की एग्जाम और CET के एग्जाम, और इतना ही नहीं तो बोर्ड्स की एग्जाम के लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फेनॉल यूनिट की रिएक्शन है, नाम है इसका रीमर टीमन रिएक्शन। और सिर्फ फेनॉल में ही नहीं, अल्डिहाइड और कीटोन में भी ये रिएक्शन आती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन आज हम पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है रीमर टीमन रिएक्शन। विथ मैकेनिज्म मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, शॉर्ट में मैकेनिज्म बताऊंगा, लेकिन इसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। नाउ अभी ये जो रीमर टीमन रिएक्शन है, ये जब एग्जाम में पूछते हैं तो दो तीन वे से आपको पूछा जा सकता है। एक कि व्हाट इज रीमर टीमन रिएक्शन, या कभी कभी आपको नाम नहीं दिया जाएगा, आपको सिर्फ बोला जाएगा व्हाट इज द एक्शन ऑफ CHCl3। आप सबको पता है CHCl3 इज नथिंग बट क्लोरोफॉर्म। What is the action of chloroform in the presence of aqueous NaOH? मतलब पानी के साथ at 340 Kelvin, ठीक है? ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और वी कैन से एक्शन ऑफ aqueous, what chloroform in the presence of aqueous NaOH और अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस भी हम उसको कहते हैं at 340 Kelvin on phenol। और तीसरे तरीके से आपको इस रिएक्शन को पूछा जा सकता है, वो इसे कि कन्वर्ट फेनॉल इनटू सैलिसिलाल्डिहाइड। फेनॉल को कन्वर्ट करो काय में, सैलिसिलाल्डिहाइड। सैलिसिलाल्डिहाइड कौन है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, हम बाद में देखेंगे, लेकिन ये बात आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है, ठीक है? सो इसलिए आप ध्यान में रखेंगे कितने वे से आपको पूछा जा सकता है, तीनों वे से, किसी एक भी वे से, इनमें से किसी भी एक भी वे से पूछा तो सबका आंसर सेम रहेगा। तो पहले हम रिएक्शन देखते हैं और रिएक्शन के साथ साथ हम उसकी मैकेनिज्म भी देखेंगे। सो आई स्टार्ट द रिएक्शन हियर। ये जो रिएक्शन शुरू होती है, दैट रिएक्शन स्टार्ट्स फ्रॉम फेनॉल। आप सबको फेनॉल पता है, तो फेनॉल में क्या होता है, बेंजीन रिंग इज अटैच टू OH, तब हम उसको क्या कहते हैं, फेनॉल। तो ये हो गई बेंजीन रिंग, और ये बेंजीन रिंग किसको लगी, OH को, तो ये हो गया फेनॉल। अब ये जो फेनॉल है, इस फेनॉल की रिएक्शन आपको किसके किसके साथ करना है, क्लोरोफॉर्म CHCl3, दैट CHCl3 इज कॉल्ड व्हाट, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म के साथ आपको उसको ट्रीट करना है, उसके साथ साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वियस NaOH। एक्वियस NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड भी आपको लेना है और इसको आपको हीट करना है। ये जो रिएक्शन है, इसमें आपको इसको क्या करना है, हीट। कितने टेम्परेचर पे हीट करना है, 340 केल्विन। 340 केल्विन पे उसको हीट करना है। अब हीट करने के बाद कौन कौन से प्रोडक्ट मिलेंगे, रिएक्शन कैसी होंगी, वो सब हम देखेंगे। हमें बताएं, कोई भी रिएक्शन जब होती है तो उनमें सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव होते हैं उनकी सबसे पहले रिएक्शन होती है। हम सबको पता है फेनॉल, हमने देखा है फेनॉल का दूसरा नाम है क्या है, कार्बोलिक एसिड। और ये एसिड होने की वजह से इट हैज अ मोर टेंडेंसी टू डोनेट एच पॉजिटिव आयन। फेनॉल की एच पॉजिटिव आयन डोनेट करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, और फेनॉल की एच पॉजिटिव आयन डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा होने की वजह से ये जो फेनॉल है, That phenol donate the which ion, H positive ion। और अगर उसने H positive ion donate किया तो इस oxygen पे negative charge आएगा और hydrogen पे positive charge आएगा, और इस तरह यहाँ पे बन जाएगा कौन सा ion, phenoxide ion, ठीक है? क्योंकि oxygen और hydrogen में oxygen की electronegativity 3.5, hydrogen की electronegativity 2.5, 2.1 इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, मतलब इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की
उस एटम की जो टेंडेंसी है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है इसलिए उस पर निगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन की कम है इसलिए उस पर पॉजिटिव चार्ज। अब ये हो गया फिनोक्साइड आयन, और यहाँ पे कौन है NaOH। आप सबको पता है ये NaOH जब ब्रेक होता है सो दिस NaOH डिसोसिएट टू फॉर्म Na पॉजिटिव एंड OH निगेटिव, एंड यू ऑल नो वेरी वेल पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्शन। तो व्हाट हैपेंड, उसके निगेटिव और इसके पॉजिटिव, वो निगेटिव कंबाइन विथ Na पॉजिटिव, वो निगेटिव किसके साथ कंबाइन होगा Na पॉजिटिव के साथ कंबाइन होगा, एंड H पॉजिटिव कंबाइन भी OH निगेटिव। और यहाँ पे आपको एक प्रोडक्ट पहले मिलेगा, कैसा प्रोडक्ट मिलेगा, दिस इज द फिनॉल एंड हियर दिस इज ऑक्सीजन, दिस ऑक्सीजन कैरी निगेटिव चार्ज एंड सोडियम कैरी पॉजिटिव चार्ज, सो दिस O कंबाइन विथ Na एंड इट फॉर्म्स दिस ONa, ठीक है, एंड इट फॉर्म्स दिस आयन विच इज कॉल्ड सोडियम फेनोक्साइड, प्लस ये Na इसको लग गया, H पॉजिटिव कंबाइन विथ OH निगेटिव कंबाइन टू फॉर्म H2O। और इस तरह यहाँ पे पहले स्टेप में यहाँ पे जो बनेगा वो रहेगा सोडियम फेनोक्साइड, क्या बनेगा सोडियम फेनोक्साइड। और यहाँ पे जो सोडियम फेनोक्साइड यहाँ पे बना है, हमें पता है कि ये ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर अभी भी है, जिसकी वजह से आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को वो ऑर्थो पैरा डायरेक्शन में सेंड करता है। और इसलिए यहाँ पे क्या होगा कि ये जो क्लोरोफॉर्म है, दैट क्लोरोफॉर्म हियर देयर इज हाउ मेनी Cl, 3 Cl एंड हियर देयर इज 1 H, एज देयर इज 1 H एंड 3 Cl, व्हेन आई ब्रेक दिस बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, आप सबको पता है कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है 2.5 और हाइड्रोजन की है 2.1, तो किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, कार्बन की, और कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से कार्बन के ऊपर आएगा निगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और इसलिए इस कार्बन के ऊपर आएगा निगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। आपको पता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, ठीक है, और जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा उसके ऊपर निगेटिव चार्ज बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद, अच्छे से ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है उस पर निगेटिव चार्ज आया, हाइड्रोजन की कम है उस पर पॉजिटिव चार्ज आया। अब यहाँ पे क्या होगा कि दिस सी निगेटिव, सॉरी हियर ये अगर बॉन्ड ऐसे तोड़ा तो, लेकिन यहाँ पे ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, ये बॉन्ड इसलिए नहीं टूटेगा, क्यों नहीं टूटेगा आई एक्सप्लेन यू। देखो कार्बन की 2.5 है नो प्रॉब्लम, लेकिन क्लोरीन की कितनी है 3, क्लोरीन की कितनी है 3, और आपको अगर पता है तो जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है निगेटिव, कौन सा निगेटिव डेल निगेटिव, ठीक है, बॉन्ड टूटने के पहले। और जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है, जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है उसके ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज, और बॉन्ड टूटने के पहले आता है डेल पॉजिटिव चार्ज, और इसलिए इस कार्बन पे आएगा डेल पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पे आएगा डेल निगेटिव चार्ज, ठीक है। अब आप मुझे बताओ अगर कार्बन पे डेल पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन पे डेल निगेटिव चार्ज है, उसी तरह ये बॉन्ड की वजह से इस कार्बन के ऊपर एक डेल पॉजिटिव है, सेकंड क्लोरीन की वजह से दूसरा डेल पॉजिटिव, थर्ड क्लोरीन की वजह से तीसरा डेल पॉजिटिव, और इसलिए इस कार्बन के ऊपर कितने डेल पॉजिटिव आएंगे 3। और आप सबको पता है अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है मतलब वो कैसा होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, कैसा होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। क्यों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, क्योंकि उसके ऊपर कौन सा चार्ज है पॉजिटिव, जो बताता है कि उसके पास के इलेक्ट्रॉन चले गए और इसलिए वो डेफिशिएंट हो गए। और इसलिए आप ध्यान में रखेंगे जो कार्बन है, दिस कार्बन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, एंड एज दिस कार्बन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो इधर जो रीच रहेगा वो इस कार्बन पे क्या करेगा अटैक। अब कौन रीच है, आप सबको पता है कि ये ऑक्सीजन अपनी क्या डोनेट करता रहता है लोन पेयर, और जैसे भी ये ऑक्सीजन अपनी लोन पेयर डोनेट करते रहता है तो ऑक्सीजन पे तो पॉजिटिव चार्ज आता है, लेकिन उसकी
ऑर्थो पोजीशन पे और कभी कभी उसकी पैरा पोजीशन पे कौन सा चार्ज आता है, निगेटिव चार्ज बिकॉज ऑफ डोनेटिंग इट्स लोन पेयर, और ये निगेटिव है. सो दिस निगेटिव अटैक एट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर. तो यहां पे कौन सा डेफिशिएंट सेंटर हो गया, कार्बन, और इसलिए ये निगेटिव इस कार्बन पे अटैक करते हैं और यहां से कौन छोड़ के जाते हैं, सीएल निगेटिव. कौन छोड़ के जाते हैं, सीएल निगेटिव. ये एक्चुअल मैकेनिज्म है, ठीक है, लेकिन हमें अभी वो पूरी डिटेल में मैकेनिज्म हमारे बोर्ड्स के सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम उसको शॉर्ट में पढ़ रहे हैं. तो क्या होगा, ध्यान में रखेंगे कैसा हुआ, क्यों यहां पे सी इसने अटैक किया और क्यों सीएल छोड़ के गया, ये समझ गए. मैं उसको डायरेक्ट लिखता हूं. तो क्यों यहां से सीएच बॉन्ड नहीं टूटेगा और क्यों सीसीएल बॉन्ड टूटेगा, डू यू अंडरस्टैंड द रीजन. ठीक है, अब क्या होगा, कौन सा बॉन्ड टूटेगा, सीसीएल बॉन्ड. व्हाई देयर इज अ ब्रेकिंग ऑफ दिस सीसीएल बॉन्ड, वी हैव सीन द रीजन. मैं फिर से इसको लिख रहा हूं अच्छे से. ये है हाइड्रोजन, यहां पे कार्बन और यहां पे है क्लोरीन. कितने क्लोरीन है, तीन, बराबर. और ये क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो है 3 है और कार्बन की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो है 2.5. और इसलिए ये बॉन्ड जब टूटेगा तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर जाएंगे, क्लोरीन के ऊपर. ठीक है, वो एक्चुअल मैकेनिज्म थी, अभी मैं शॉर्टकट मैकेनिज्म बता रहा हूं. क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3 है, कार्बन की 2.5 है, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है और इस वजह से क्लोरीन के ऊपर आएगा निगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, वंस मोर, क्लोरीन के ऊपर आया निगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज, ये हाइड्रोजन जैसा के वैसा. और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये निगेटिव इधर आता है, आपको पता है ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, इनके बीच में क्या बनेगा, बॉन्ड. और इनके बीच में बॉन्ड बनने के बाद क्या होगा, यहाँ पे ऐसा बॉन्ड बन जाएगा, लेकिन ये रिंग के अंदर के अल्टरनेट डबल सिंगल डबल सिंगल सिंगल. ठीक है, यहाँ पे जो अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड रहते थे वो अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड गायब हो गए और वो अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड यहां से गायब हो जाने की वजह से वो क्या हो गया, अनस्टेबल. लेकिन उसको भी क्या होना होता है, स्टेबल, टू बिकम अ स्टेबल क्या होगा, ये जो सी एच बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन है वो दो इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएंगे और इसकी लोन पेयर इसको मिल जाएंगी, जिसकी वजह से इसके ऊपर का पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा. ठीक है, देखो यहां मैं एक स्टेप यहाँ पे बढ़ा देता हूं. तो यहाँ पे ये जो है ये सी, इसको दो सीएल लगे हैं, एक एच, यहाँ पे एच, ये दो बॉन्ड जैसे के वैसे, और यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ एन ए एंड दिस ओ कैरी पॉजिटिव चार्ज. ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर जाएंगे, ऑक्सीजन को उसकी लोन पे मिल जाएंगी, जिसकी वजह से उसके ऊपर का पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा और यहाँ पे कौन रहेगा, सिर्फ ओ एन ए, क्या रहेगा वहां पे, ओ एन ए. यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, ये दो बॉन्ड जैसे के वैसे, यहाँ पे ओ एन ए दैट इज द सोडियम फेनोक्साइड, और यहाँ पे सी, हियर देयर इज एच एंड हियर देयर इज सी एल. तो वहां पे एच भी लगेगा और दो सी एल लगेंगे और वहां पे कौन है, वो एन ए सोडियम फेनोक्साइड. तो इस तरह एक कंपाउंड, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड आपको यहां पे मिलेगा, इंटरमीडिएट कंपाउंड. किस तरह हमें ये इंटरमीडिएट कंपाउंड मिल रहा है, जस्ट बिफोर वी हैव सीन, एक बार रिवाइज कर रहा हूं. क्या हुआ, फेनॉल था, एच पॉजिटिव डोनेट किया, एन ए वो डिसोसिएट हुआ, एन ए पॉजिटिव ओ एच निगेटिव, एन ए पॉजिटिव कंबाइन विथ वो निगेटिव टू फॉर्म वो एन ए, यहाँ पे सोडियम फेनोक्साइड बन गया, फिर सोडियम फेनोक्साइड क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट हुआ, क्लोरोफॉर्म का कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, इसने अपनी लोन पेयर शिफ्ट करके यहाँ पे निगेटिव चार्ज आया, और यहाँ पे निगेटिव चार्ज जो आया, दैट निगेटिव चार्ज व्हाट हैपेंड, अटैक ऑन दिस कार्बन, यहाँ से सीएल निगेटिव चला गया,
ये निगेटिव और इसका सी पॉजिटिव के बीच में क्या बन गया, बॉन्ड, वहां से सीएल निगेटिव छोड़ के चला गया और यहाँ पे ये जो कार्बन है इस कार्बन के ऊपर का निगेटिव, इस कार्बन के ऊपर का पॉजिटिव, इनके ऊपर बॉन्ड बन के ये बन गया, ये वो एन ए। फिर यहां से ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर छोड़ के चले गए, यहां से एच पॉजिटिव छोड़ के यहाँ पे चला गया और एच पॉजिटिव जाने के बाद यहाँ पे लगा सी दो सी एल वन एच एंड हियर ओ एन ए एंड दैट। सो इन दिस वे वी गेट दिस एक्वियस, दिस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इज फॉर्म देयर। लेकिन ये जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट यहाँ पे बना है, ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनने के बाद यहाँ पे क्या होगा, NaOH जो हमने लिया है वो एक एक्सेस अमाउंट में हमने यहाँ पे क्या लिया है NaOH, एंड एज वी हैव टेकन दिस NaOH इन एक्सेस अमाउंट, तो ये जो NaOH है आप सबको पता है कि NaOH हैज अ टेंडेंसी टू डोनेट व्हाट H सॉरी व्हाट OH नेगेटिव आयन। तो यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट बना है वो क्या डोनेट करेगा, वो तो बना है लेकिन ये NaOH जो है वो NaOH डिसोसिएट होके क्या बनाता है Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। ये NaOH डिसोसिएट होके बनाता है Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, और अगर ये NaOH बनाता है Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव तो क्या होगा इस केस में, एज इट फॉर्म्स दिस Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव और वहां पे है सोडियम फेनोक्साइड, तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे ये जो क्लोरीन थे इस क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होने की वजह से ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ क्या होते थे, शिफ्ट होते थे और वो वहां से छोड़ के जाने की कोशिश करते थे, क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाने की कोशिश करते थे जिसकी वजह से कार्बन पॉजिटिव होता था और इसलिए ये OH निगेटिव यहाँ पे अटैक करता है और OH निगेटिव यहाँ पे अटैक करके यहाँ से ACl निकल जाता है, यहाँ से ये Cl निगेटिव निकल जाते हैं और ये जो वो जो रिंग का रिंग को लगा हुआ जो कार्बन है ये वो Na जैसा के वैसा यहाँ पे सी एच और ये जो दो Cl लगे थे ये दोनों Cl के जो दोनों Cl निगेटिव है वो दोनों Cl निगेटिव चले गए और इस कार्बन पे आया डाई पॉजिटिव। बैलेंस करने के लिए अगर मैं दो NaOH लूं तो ट्वाइस Na पॉजिटिव, प्रैक्टिकली तो बहुत सारे NaOH लगेंगे लेकिन मैं यहाँ पे बैलेंस करने के लिए दो, ये जो दो OH निगेटिव है दो OH निगेटिव एक इधर से उसको लगेगा एक इधर से लगेगा, ऐसे दो OH उस कार्बन को लग जाएंगे। देखो यहां से दो Cl निकले और इस Cl के जगह क्या लगे दो OH और दो OH लगने के बाद जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ इस तरह से होगा। ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पे वो Na है और यहाँ पे CH, ठीक है मैं इस H को नीचे लिखता हूं और ये जो दो OH है ये दो OH यहाँ पे लिखते हैं और इस तरह हमें ये प्रोडक्ट यहाँ पे मिला है। लेकिन हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि अगर एक ही कार्बन पे दो OH अगर रहे, एक ही कार्बन पे दो OH अगर रहे तो वो मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाता है। वंस मोर, एक ही कार्बन पे अगर दो OH रहे तो वो मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाता है। उसी तरह यहाँ पे भी एक ही कार्बन पे अगर दो OH रहे तो ये मॉलिक्यूल भी क्या हो जाएगा अनस्टेबल। बट यू ऑल नो वेरी वेल वी हैव द ग्रेट कॉन्सेप्ट, एवरीवन वांट्स टू बिकम अ स्टेबल, हर कोई क्या होना चाहता है स्टेबल, तो इसको भी क्या होना है स्टेबल। स्टेबल होने के लिए उसको एक कार्बन पे जो दो OH लगे हैं उसमें से एक OH को निकालना पड़ेगा और अगर उन दो OH में से एक OH को निकालना है तो ये ऑक्सीजन अपनी लोन पर इधर शिफ्ट करेगा। कार्बन चार से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता, ऑलरेडी इसने चार बॉन्ड बना दिए हैं, इसलिए जैसे भी ये ऑक्सीजन अपनी लोन पर यहाँ पे शिफ्ट करेगा ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पे जाएंगे और वहां से कौन छोड़ के जाएगा OH निगेटिव, और अगर वहां से OH निगेटिव छोड़ के गया तो हमारे पास ये जो है दैट इज द बेंजीन रिंग, हियर वी हैव दिस ओ एन ए एंड हियर सी, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ, ये एच जैसा के वैसा, यहां से कौन छोड़ के गया OH निगेटिव और ये एच जो था ऑक्सीजन ने अपनी लोन पर दी तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आया पॉजिटिव चार्ज। अपना कॉन्सेप्ट है ऑक्सीजन इन फर्स्ट स्टेप
डोनेट इट्स लोन पेयर एंड कैरी पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन फर्स्ट स्टेप में अपनी लोन पेयर देता है और उस पर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। तो ऑक्सीजन ने फर्स्ट स्टेप पे अपनी लोन पेयर दे दी और उस पर कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज। और नेक्स्ट स्टेप में वो अपनी लोन पेयर क्या करता है, वापस लेता है, लेकिन जिसको दी उससे वापस नहीं लेता, दूसरे से वापस लेता है। इस ऑक्सीजन ने अपनी लोन पेयर किसको दी, कार्बन को, और इसलिए वो कार्बन से वापस नहीं लेगा, किससे वापस लेगा, हाइड्रोजन से। और इसलिए ये बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन के ऊपर। और ये बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन अगर ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो गए तो ऑक्सीजन को उसकी क्या मिल जाएंगी, लोन पेयर। और अगर ऑक्सीजन को उसकी लोन पेयर मिल गई, ये बॉन्ड जैसे कि वैसे यहां पे है ओ एन ए, और ऑक्सीजन को उसकी क्या मिल गई, लोन पेयर, तो सी डबल बॉन्ड ओ, यहां से कौन छोड़ के गया, यहां से छोड़ के गया एच पॉजिटिव, और यहां पे नीचे कौन है, एच, ठीक है। यहां पे हो गया ओ एन ए, यहां पे ये सी डबल बॉन्ड ओ एच, यहां से छोड़ के गया एच पॉजिटिव, और ये था ओ एच निगेटिव, वो कंबाइन हो गए और हमें यहां पे ये जो प्रोडक्ट मिला है, वी गेट दिस प्रोडक्ट हियर, ये जो प्रोडक्ट हमें मिला है एक्वियस एनएओएच की एक्शन करने के बाद क्या हुआ, फिर से मैं इधर शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूं। यहां पे दो एनएओएच हमने ऐड किए, यहां से दो सीएल निकल के वहां पे क्या लगे, दो ओएच, लेकिन दो ओएच एक कार्बन पे होने की वजह से, दो ओएच एक कार्बन पे होने की वजह से मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाता है, और इसलिए यहां से ऐसा H2O निकल गया, और ये H2O निकल जाने की वजह से यहां पे डबल बॉन्ड O और ये कौन है, एच, इस तरह से ये प्रोडक्ट मिल गया, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में हम इसमें क्या डालेंगे, H3O पॉजिटिव, और वी कैन से एच पॉजिटिव एसिड डालेंगे। एसिड डालने के बाद आप सबको पता है कि ये ब्रेक होगा, O निगेटिव Na पॉजिटिव, और वो निगेटिव कंबाइन भी H पॉजिटिव, एंड वहां पे क्या हो जाएगा, OH। ये बॉन्ड जैसे के वैसे यहां पे OH और यहां पे C डबल बॉन्ड OH, यू गेट दिस, एंड दिस इज नथिंग बट सैलिसिलाल्डिहाइड, दिस इज नथिंग बट सैलिसिलाल्डिहाइड। ये जो प्रोडक्ट आपको मिल रहा है, इस प्रोडक्ट का नाम है सैलिसिलाल्डिहाइड, तो आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे, ये जो प्रोडक्ट आपको मिल रहा है, इस प्रोडक्ट का नाम है सैलिसिलाल्डिहाइड, डू यू अंडरस्टैंड। और ये जो सैलिसिलाल्डिहाइड है, ये सैलिसिलाल्डिहाइड का दूसरा नाम है, आप अगर देखेंगे ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे व्हाट बेंजाल्डिहाइड या अल्डिहाइड इज अ मेन फंक्शनल ग्रुप, तो इसके बाजू का जो कार्बन है दैट इज कॉल्ड ऑर्थोकार्बन, और ऑर्थोकार्बन पे यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा है, और इसलिए इसका नाम है वो हाइड्रोक्सी। क्या नाम है इसका, ओ स्टैंड्स फॉर ऑर्थो, ऑर्थो पे कौन लगा, हाइड्रोक्सी, तो नाम हो गया ओ हाइड्रोक्सी, और ये बेंजीन रिंग को अल्डिहाइड लगा है, सो इट इज बेंजाल्डिहाइड। सो कंपाउंड का पूरा नाम हो गया वो हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड, ठीक है। क्या है कंपाउंड का पूरा नाम, वो हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड, क्लियर है। तो इन दिस वे वी हैव दिस सैलिसिलाल्डिहाइड, और वी कैन से वो हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड, समझ गए। इस तरह आप क्या कर सक रहे कि यू आर कन्वर्टिंग दिस फेनॉल इंटू सैलिसिलाल्डिहाइड, ठीक है। यह पूरी रिएक्शन है, रिएक्शन तीन तरीके से आपको पूछी जा सकती है, कौन से तीन तरीके हमने देखे, पहला तरीका क्या, व्हाट इज द रिमर टीमन रिएक्शन, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका बहुत इजी है, व्हाट इज द एक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वियस एनएओएच एट 340 केल्विन टेम्परेचर, और कन्वर्ट द फेनॉल इंटू व्हाट सैलिसिलाल्डिहाइड। रिएक्शन बहुत इजी है, डायरेक्ट बता रहा हूं, क्लोरोफॉर्म था, सबसे पहले एच निकाल के एनए लगाया, ओ एनए हो गया, फिर क्लोरोफॉर्म में क्या, यहाँ का एच निकला, यहाँ से सीएल निकला, और वहां से क्या निकल गया, एचसीएल, और एचसीएल निकल के यहाँ पे दो सीएल और एच, ये एक इंटरमीडिएट बना, उसके अंदर एनएओएच डाला, एनएओएच डालने के बाद आपको जो प्रोडक्ट मिला वो था, कौन था, वो हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड, ठीक है। सॉरी, ये भी
इसका नाम है व्हाट वी कैन से, ये भी एक इंटरमीडिएट टाइप का प्रोडक्ट यहाँ पे मिलता है। आफ्टर गेटिंग दिस इंटरमीडिएट टाइप प्रोडक्ट उसमें हमने एसिड डाला एंड यू गेट दिस सैलिसिलाल्डिहाइड और वो हाइड्रोक्सीबेंजाल्डिहाइड। और ये इसकी शॉर्टकट मैकेनिज्म है विच इज नॉट इन योर सिलेबस ऑफ बोर्ड्स, और इसलिए आप इसको एग्जाम में नहीं लिखेंगे, डोंट राइट इन एग्जाम ऑफ बोर्ड्स, बट एंट्रेंस के लिए ये मैकेनिज्म आपको पता होनी चाहिए। अब इसमें आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि सर यहाँ पे जिस तरह ये ऑर्थो पे निगेटिव आता है उसी तरह कभी कभी कहाँ निगेटिव आता है, पैरा पे भी निगेटिव आता है, और पैरा पे निगेटिव आएगा तो यहाँ पे ये जो ग्रुप है जो ऑर्थो पे लगा वो कहाँ लगेगा, पैरा पे, और पैरा पे लगा तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो जो बेंजाल्डिहाइड है वो बेंजाल्डिहाइड कहाँ नहीं लगेगा, ऑर्थो पे, या ये जो अल्डिहाइड ग्रुप है ये अल्डिहाइड ग्रुप पैरा पे लगेगा और इस तरह का हमें प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन हमने यहाँ पे पैरा वाला प्रोडक्ट इंडिकेट नहीं किया, हमने सिर्फ कौन सा प्रोडक्ट इंडिकेट किया, ऑर्थो वाला। तो ऑर्थो वाला ही प्रोडक्ट क्यों हमने यहाँ पे इंडिकेट कर रहे, इसके पीछे का रीजन ये है कि ऑर्थो जो होता है जो वो हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड है, दैट वो हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड ये जो इसका स्ट्रक्चर है वो C डबल बॉन्ड वो H एंड हियर देयर इज OH। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3.5 है और कार्बन की 2.5 है, तो ऑक्सीजन की ज्यादा है तो उसके ऊपर डेल निगेटिव चार्ज, इसके ऊपर डेल पॉजिटिव चार्ज, इधर ऑक्सीजन की ज्यादा है तो उसके ऊपर डेल निगेटिव, हाइड्रोजन की कम है तो उसके ऊपर डेल पॉजिटिव, एंड डेल निगेटिव डेल पॉजिटिव क्या होता है, अट्रैक्शन, तो इनके बीच में अट्रैक्शन होता है और यहाँ पे ये जो हो रहा है दैट इज द इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या है ये, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हमें पता है इस इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से मॉलिक्यूल की क्या बढ़ती है, स्टेबिलिटी, और अगर मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो मॉलिक्यूल अगर ज्यादा स्टेबल होगा ड्यू टू विच बॉन्डिंग, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ध्यान में रखेंगे इस इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से मॉलिक्यूल की क्या बढ़ेगी, स्टेबिलिटी, और अगर उसकी स्टेबिलिटी बढ़ी तो किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, ऑर्थो, ऑर्थो की स्टेबिलिटी ज्यादा है ड्यू टू इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसलिए ऑर्थो वाला जो प्रोडक्ट रहेगा वो कैसा रहेगा, मेजर प्रोडक्ट रहेगा, वो हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड, अब मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूं, दैट वो हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड इज अ मेजर प्रोडक्ट, ठीक है, वो हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड इज अ मेजर प्रोडक्ट, बहुत ज्यादा अमाउंट में वो प्रोड्यूस होगा, वो इसलिए प्रोड्यूस होगा क्योंकि इट शो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से उसकी स्टेबिलिटी कैसी रहेगी, ज्यादा, और इसलिए वो ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होगा। लेकिन दूसरा वाला जो है क्या नाम है उसका, पी हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड, वो लेस स्टेबल है क्योंकि वो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं कर सकता क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस कैसा है, बहुत ज्यादा, और वो अगर इंट्रामोलिकुलर नहीं शो कर सकता है तो उसकी स्टेबिलिटी कम है और इसलिए वो बहुत कम होगा, लेकिन कुछ ना कुछ अमाउंट में वो भी प्रोड्यूस होगा। कौन कौन प्रोड्यूस होगा, वो हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड एंड पी हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड भी प्रोड्यूस होगा, लेकिन पी हाइड्रोक्सी बहुत कम प्रोड्यूस होगा। और अगर हमें क्या करना है कि ये जो पी हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड है, इस पी हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड अभी मिक्सचर प्रैक्टिकली जब हम रिएक्शन करेंगे तो हमें जो कंटेनर रहेगा उस कंटेनर में दोनों टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे, वो हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड भी मिलेगा और पी हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड भी मिलेगा। और अगर हमें उन दोनों, हमें तो सिर्फ अगर हमें वो हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड अगर बनाना है तो हमें पी को क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा, और पी को अगर सेपरेट करना है तो हमें उसका करना पड़ेगा ड्राई डिस्टिलेशन या डिस्टिलेशन, क्या करना पड़ेगा, डिस्टिलेशन, ध्यान में रखेंगे आप। अब ये डिस्टिलेशन क्या है, यू ऑल नो वेरी वेल अबाउट द डिस्टिलेशन, इसका स्टीम डिस्टिलेशन करना पड़ेगा। अब स्टीम डिस्टिलेशन क्या है, अब ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है जिसकी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, और ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है जिसकी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, मानो इसका 60 डिग्री, जस्ट कंसिडर इसका 60 डिग्री है और इसका 80 डिग्री है, जब हम इसको बॉइल करेंगे
तो इसका 60 डिग्री मतलब कम बॉइलिंग पॉइंट होने की वजह से ये जल्दी वेपोराइज हो जाएगा और ये वेपोराइज नहीं होगा, उसको कंडेंस करके वेपोराइज होगा, वेपर बनेंगी, ऊपर जाएंगी, ऊपर जाके दूसरे कंटेनर में उसको कलेक्ट करेंगे और ये वहां का जहां का वही रह जाएगा और इस तरह वो दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे एंड इन दिस वे वो हाइड्रोक्सी दैट बेंजाइल डिहाइड और सैलिसिलाइल डिहाइड व्हिच इज अ मेजर प्रोडक्ट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम पी हाइड्रोक्सी बेंजाइल डिहाइड बाय व्हिच डिस्टिलेशन स्टीम डिस्टिलेशन। ठीक है, इस तरह आपको इस रिएक्शन के बारे में ध्यान में रखना है। रिएक्शन का नाम है रीमर टीमन रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर ऑल द एग्जाम्स, इसलिए आप बहुत अच्छे से उसको ध्यान में रखेंगे, कोई भी उसको क्या करेंगे ऐसा निग्लेक्ट नहीं करेंगे, पूरा अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, पूरा ओरली करके रखेंगे। ठीक है, आपको डायरेक्ट अगर पूछा तो डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे लिखना बहुत ईजी है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लोरोफॉर्म डालना है, NaOH डालना है एट 340 केल्विन बस, और एडिशनली आपको ये फर्स्ट स्टेप हो गया और सेकंड स्टेप में एडिशनली आपको क्या डालना है H3O पॉजिटिव ये क्लोरोफॉर्म आपने डालना है, NaOH डाला, तो आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे बनाना है, यहाँ पे फेनॉल का OH तो जैसे के वैसे लगाना है, सिर्फ आपको ये क्लोरोफॉर्म है उसके जो 3 Cl निकाल के वहां पे डबल बॉन्ड OH लगाना है और H तो वहां पे जैसे के वैसा 3 Cl निकाले और 3 Cl निकालने के बाद एक इसके साथ बॉन्ड बना दिया और डबल बॉन्ड H डायरेक्ट आपको ध्यान में रखना है, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, इस तरह आप डायरेक्ट भी रिएक्शन को ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, और एक दूसरी जो रिएक्शन है उसका नाम है कोल्ब्स रिएक्शन। कोल्ब्स रिएक्शन और रिमर टिमर में हमेशा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे कोल्ब्स रिएक्शन में हम CO2 के एक्शन करते हैं और प्रोडक्ट मिलता है सैलिसिलिक एसिड, और रिमर टिमर में हमें प्रोडक्ट मिलता है सैलिसिलाइल डिहाइड। ठीक है, इन दोनों के बीच में कभी खिचड़ी नहीं होने देना है। ठीक है, रिएक्शन को बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत अच्छे से लिखेंगे और सब टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो याद से लाइक करना है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना है, कुछ डाउट है कमेंट्स में लिखना है, वीडियो अच्छे से समझा तब भी कमेंट्स में लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन वी विल सी इन अ नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।